तिन्नापुर गांव में अनामिका रमेश का एक गरीब परिवार रहा करता था। वो दोनों गन्ने का रस बेचकर अपना परिवार चलाया करते थे। गन्ने का रस बेचकर जो पैसे वो कमाते थे, उन पैसों से अपने बच्चे हरीश और भव्या की देखभाल करते थे और उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। तभी एक दिन रमेश, आइए बाबू आइए, ठंडा ठंडा गन्ने का जूस यहाँ से पी कर जाइए, बहुत ही ठंडा और बहुत ही स्वादिष्ट, ना हुआ तो पैसे वापस, इस तरह ऊंची आवाज में कहता है। ये सुनकर दो तीन लोग वहाँ पे गन्ने का जूस पीने आते हैं। अजी, आपको इतने जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं, जो सड़क के उस पार से गुजर के जा रहे वो सुन ले और यहाँ आके पी ले, वही काफी है। अनामिका के इस तरह से कहने पर रमेश गुस्से से उसे देखने लगता है। अरे क्या हो गया, इस तरह गुस्से से मुझे क्यों देख रहे हैं? अगर हम रिकॉर्डर माइक खरीद ले वो तो चिल्लाते ही रहेगा अनामिका। उसे खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं जी? माइक खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है अनामिका, तुम तो अजीब बात कर रही हो। हाँ आप बस बात करते रहिए, गन्ने का जूस मत बेचिए, जाइए, बहुत बात हो गई, अब जाके आराम से आप गन्ने का जूस बेचिए। अनामिका के इस तरह से कहने पे वो एक लकड़ी का स्टूल रख कर उस पे चढ़ के जोर जोर से चिल्ला के कहने लगता है, गन्ने का जूस बाबू, गन्ने का जूस, ठंडा ठंडा, कूल कूल। इस तरह वो आवाज लगाता है। जो लोग वहाँ आते हैं, अनामिका उन्हें गन्ने का जूस देती है। थोड़ी देर बाद हरीश, उसके दोस्त अखिल और उसके पिताजी सुदर्शन वहाँ पर आते हैं। क्या हुआ बेटा तुम यहाँ पे? कुछ नहीं पिताजी, ये मेरा दोस्त अखिल, मेरा क्लासमेट, और ये अखिल के पिताजी सुदर्शन अंकल। ये सुनकर रमेश और अनामिका दोनों ही सुदर्शन को नमस्ते कहते हैं, पर दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। उन्हें लगा जरूर यहाँ पे अब कुछ होने वाला है, इसलिए वो आश्चर्य होकर देखने लगे। रमेश बाबू परेशान मत होइए, ये बच्चों की लड़ाई है, मेरा बेटा लड़ाई का असली कारण है, हरीश नहीं। क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं बहन, ये बच्चों के बीच की बात है, मुझे ले आए, अब मैं जा रहा हूँ रमेश का गन्ना जूस बेचने के लिए। नहीं भाई साहब, आप क्यों करेंगे, पर ये काम किसी को भी करना पड़ सकता है, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मजबूरी में ही इंसान ये सब करता है ना। अच्छा ये बताइए, रमेश को कंप्यूटर का कुछ काम आता है क्या? नहीं नहीं सर, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अखिल, अब तुम्हें एक बात समझ में आई, आज के बाद हरीश को कभी भी स्कूल में तुम्हारे पिताजी गन्ने का जूस बेचते हैं कहकर चिढ़ाओगे नहीं, उनका काम बहुत बड़ा काम है, सभी लोग वो काम नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना? सॉरी डैडी, सॉरी हरीश, आज के बाद से हम दोनों के पिताजी महान हैं और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर रमेश और अनामिका खुश होते हैं और सभी को एक एक ग्लास गन्ने का जूस पिलाते हैं। सभी लोग गन्ने का जूस पीते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब चूंकि अनामिका बहुत ही धार्मिक थी, इसीलिए जब भी सड़क से कोई स्वामी जी या महर्षि गुजर के जाते हैं तो वो उन्हें जाकर प्रणाम करती है, उन्हें गन्ने का जूस पिलाती है और आशीर्वाद देने के लिए कहती है, ताकि उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगे। हर दिन वहाँ पे बाबा नाम के एक महर्षि आया करते थे, वो हर दिन गन्ने का जूस पीते थे और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते थे। तभी एक दिन अचानक से वहाँ पे बाबा समय पर आए नहीं। अनामिका उनका इंतजार करती रही। अजी, आज वो बाबा तो आए नहीं, अचानक से क्या हुआ? उनके 1 करोड़ भक्तों में तुम एक हो अनामिका, तुम्हारे 1 ग्लास गन्ने का जूस पीने के लिए वो यहाँ पे आएंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। हाँ अब ज्यादा मत बोली, मुझे गुस्सा आ जाएगा, हर दिन बाबा आते हैं गन्ने का जूस पीते हैं, आपको ये बात तो अच्छे से पता है ना। ये कोई मामूली जोड़ नहीं है, ये तो प्लास्टिक का जोड़ है अनामिका। मेरे और बाबा जी के बीच ना प्लास्टिक का जोड़ नहीं है जी। तो गन्ने का जूस का जोड़ है क्या? आप अगर ऐसी बातें किए तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम्हें अगर ऐसे ही मुंह बनाना है तो तुम बना लो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कस्टमर आएंगे तो वो बस लौट जाएंगे। मेरे हाथ में बेलन रहता है, इस बारे में भूलिएगा मत। अरे बापरे, हाथ में बेलन, अरे नहीं नहीं अनामिका। डरते हुए कहकर रमेश गन्ने का जूस बेचने लगता है। फिर एक दिन उनके दुकान से कुछ ही दूर पे सासू माँ शारदा भी गन्ने का जूस बेचना शुरू करती है। छोटे हो या बड़े, सभी लोग आइए, घर की माएं और बहनें भी आ जाइए और गन्ने का जूस पी के जाइए, इस मौके पर जितना पियेंगे
उतना मुफ्त में भी पाएंगे। इस तरह माइक लेकर आवाज लगाते हुए वो कहती है। अब चूंकि मुफ्त में गन्ने का जूस देने की बात शारदा ने की थी तो उसके दुकान पे भीड़ लग जाती है। लोग वहाँ पे गन्ने का जूस जम के पीते हैं, जिस वजह से अनामिका का गन्ने का जूस का व्यापार मंदा पड़ने लगता है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। जब से शारदा गन्ने का जूस बेचना शुरू करती है, ग्राहक अनामिका के दुकान पे जाते ही नहीं, जिस वजह से अनामिका की आय भी कम हो जाती है। हर दिन दुखी होकर घर लौटती थी, फिर बच्चों को खिलाकर वो सो जाती थी। रमेश समझाता था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर उस दिन रात के वक्त, सुनिए, समझ में नहीं आ रहा कि माँ जी ने ऐसा क्यों किया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा अनामिका। ठीक है, कल हम माँ के पास जाएंगे और उनसे सीधा जाके पूछेंगे कि माँ इस तरह से हमारे साथ क्यों कर रही है। हाँ ठीक है जी। फिर अगले दिन शारदा के घर पे रमेश और अनामिका दोनों जाते हैं। बेटा और बहू को देखकर प्रसाद बहुत खुश होते हैं। शारदा शारदा, बेटा बहू आए हैं। हाँ तो क्या, मैं आरती दिखाऊं? कहते कहते निकल आती है। अनामिका देखकर प्रणाम कहती है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो वो बताओ। माँ जी, आप मुफ्त में ठेले पे लेकर गन्ने का जूस क्यों बेच रही हैं? तुमसे बदला लेने के लिए बहू। तुमने कहा व्यापार करने जा रही हो, मैंने मना किया, कहा कि बाप बेटा पहले से व्यापार कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है। तुमने नहीं सुना, बेटे के साथ मिलकर क्रांति शुरू कर दी, जिस वजह से हमारा परिवार अलग हो गया और मैं जिद्दी हो गई। अच्छा कह रही है, आप ही ने तो बार बार कहा, तुम रसोईया हो, घर की नौकरानी हो, खाना बनाना ही तुम्हारा काम है, जो मैं कहूँ वो करना है, जो मैं दूँ वो खाना है। ना कभी कमा सकती हो, ना तुम खर्च कर सकती हो। सिर्फ आप ही नहीं माँ जी, सभी लोगों ने मुझे बहुत अपमानित किया, वो अच्छा था क्या? अच्छा तो मेरी बातों से बहू के आत्मसम्मान में लग गया। मैंने आपसे कहा था माँ जी, आपको कुछ कहना है तो अपने सामने कहिए, बच्चों के या बाहर वालों के सामने मत कहिए, आपने नहीं सुना। मुझे क्या करना है नहीं करना है मत सिखाओ, मैं तुम्हारी सास हूँ, जब मेरी मर्जी मैं तुम्हें डांटूंगी, जब बुलाओ तो तुम्हें आना पड़ेगा। पर अब दिन बदल रहे हैं माँ जी। चाहे कुछ भी बदल जाए, सास बहू का रिश्ता नहीं बदलता, सास सास और बहू बहू ही रहती है। अजी आप क्या है, यहाँ अनामिका जुबान लड़ा रही है और आप चुपचाप खड़े होके देखे जा रहे हैं। अब जब सास और बहू लड़ रही है तो मुझे लगा इस लड़ाई में क्यों घुसना, इसीलिए चुपचाप सुन रहा हूँ। मेरा भी वही राय है पिताजी, चाहे जितनी भी विनती कर लो पर मैं वहाँ से अपना गन्ने का ठेला नहीं हटाऊंगी, और अब तो बेचूंगी भी नहीं, सबको मुफ्त में बांटूंगी, जैसे आए थे वैसे लौट के जाओ। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। दुखी होकर अनामिका और रमेश वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन शारदा जब गन्ने को मशीन के अंदर डाल रही होती है, अचानक से उसका हाथ फंस जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाती है पर उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता। चिल्लाने की आवाज सुन के भागते हुए अनामिका वहाँ पे आती है। शारदा का हाथ मशीन से निकाल के उसे जल्दी से अस्पताल ले जाती है। फिर प्रसाद और रमेश को फोन लगाकर पूरी बात बताती है और अस्पताल आने को कहती है। खबर मिलते ही वो भी भागते हुए अस्पताल आते हैं। बेटा शारदा कैसी है? पिताजी डॉक्टर साहब अभी पट्टी बांध रहे हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ अनामिका? ये कैसे हुआ वो तो नहीं पता, पर हाथ अटक जाने पे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आवाज सुन के मैं भाग कर वहाँ पर गई और उनका हाथ मशीन से निकाल के सीधा अस्पताल लेकर आ गई। ऐसा कही रही थी कि डॉक्टर साहब उनके पास जाते हैं। अभी उन्हें बहुत ज्यादा आराम करने की जरूरत है, 2 दिनों के बाद ड्रेसिंग के लिए लेकर आइएगा, अभी उन्हें घर ले जा सकते हैं आप। इस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं। फिर हाथों में बंधे पट्टी के साथ शारदा को घर ले जाया जाता है। शारदा बिस्तर पर बैठी हुई थी, बहुत दुखी थी, फिर कहने लगी, मुझे माफ करना बहू, मैंने गलत सुना था, लगा था कि तुम कंट्रोल करना चाहती हो, अगर हर सास अपनी बेटी को बहू की तरह देखे तो बहू भी अपनी सास को माँ की तरह देखभाल करती है, ये बात ही कभी मैं ठीक से समझ नहीं पाई बहू। माफ कर दीजिएगा मुझे भी माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं कहा था, पर मुझे घर पे रहना चाहिए था, मैं गुस्से में आकर अलग परिवार बसा ली, पर बच्चों को साथ लेकर व्यापार करना बहुत मुश्किल है। सास बहू के बीच ऐसी बातें हुई रही थी तभी प्रसाद बच्चों को लेकर वहाँ पर आके हाजिर होते हैं। तब तक रमेश बर्तनों को ठेले में लेकर वहाँ आके हाजिर होता है। सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। अनामिका व्यापार संभालती है और शारदा घर संभालती है। तब से पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
धूप से बचने के लिए शारदा छतरी लेकर सड़क से जा रही होती है। धूप की वजह से कोई बाहर निकल के नहीं आ रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बेचारी बहू रानी अनामिका कैसे मिल्क शेक बेचेगी और कैसे व्यापार चलेगा। सुबह से मैंने 5-6 लोगों को भेजा था उसके पास, और 5-6 लोग चाहिए, नहीं तो टारगेट मिस हो जाएगा। अभी तो कोई दिख भी नहीं रहा है, ताकि मैं उन्हें मिल्क शेक पीने के लिए विनती करूं। ये सोचते हुए वो जा ही रही थी तभी उसे एक रास्ते में भिखारी दिखता है। उस भिखारी के बर्तन में काफी सारे छुट्टे थे। मैं इस भिखारी महिला को बहू के पास भेजूंगी ताकि वो जाके 20 रुपए का अच्छे से मिल्क शेक पिए। अब कोई आ ही नहीं रहा है तो क्या करूं? इस तरह सोचकर शारदा उस भिखारन के पास जाती है। अरे चाची इधर देखो, मैं भिंडी की तरह पतली हूँ चाची लग रही हूँ, तो तुम क्या हो? तुम तो कद्दू की तरह मोटी हो और खुद को 16 साल की समझ रही हो। भिखारिन की ऐसी बातें सुन के शारदा बिल्कुल आश्चर्य हो जाती है। अचानक से उसका दिमाग बिल्कुल खाली पड़ जाता है, वो उसके तरफ बस देखने ही लग जाती है। वो भिखारिन शारदा को एक झटका देती है। शारदा शौक से बाहर निकल आती है और भिखारिन को देखने लगती है। नाम नहीं पता था इसीलिए चाची बोली, माफ कर देना। मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा, तुम्हारे ही तरह तुम्हारा नाम भी बड़ा सुंदर है। पहले ये बताइए मेरे पास क्यों आई है? मैं क्या कोई सेलिब्रिटी हूँ? मैं तो भिखारन हूँ। तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी पुष्पा। मेरे इस कटोरी में रखे छुट्टे के अलावा, मेरे सर के वीक के अलावा और कंधे के इस बैग के अलावा जो पूछना है पूछ लो। मुझे ये सब क्यों चाहिए भला? चलो ये सब सामान लेके मेरे जूस सेंटर के पास चलो। तुम्हारे जूस के लिए मैं पैसे दूँ? अरे नहीं नहीं। तो तुम मुझे जूस खरीद के दोगी? अरे नहीं नहीं, तुम अपना जूस अपने ही खरीद के पियोगी। गर्मियों में मैंगो जूस का बड़ा अच्छा स्वाद होता है। चलो चल के तुम मैंगो जूस पी लो। इतना कहकर वो भिखारन पुष्पा को अपने साथ रास्ते में एक पेड़ के नीचे जहाँ उसकी बहू अनामिका जूस सेंटर लगाई थी वहाँ ले जाती है। माँ जी आप इस भिखारी को यहाँ क्यों लेकर आई? बहू ऐसे भिखारी भिखारी मत बोलो, उसका नाम पुष्पा है, अब ये हमारी कस्टमर है। यहाँ पर वो मैंगो मिल्क शेक पीने के लिए आई है, उसे थोड़ा सम्मान से मिल्क शेक पिलाओ। फिर आप थोड़ा सम्मान से उसकी खातिरदारी कीजिए। अब चूंकि आप ही उन्हें लाई हैं, मैं थोड़ी देर जाके बैठती हूँ, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। इतना कहकर अनामिका वहाँ से थोड़ी साइड चली जाती है। अब चूंकि कुछ करने को नहीं था इसलिए शारदा मिल्क शेक बना के पुष्पा को देती है। ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक पी के पुष्पा बहुत खुश होती है। कैसा लगा पुष्पा? ठंडा ठंडा बहुत अच्छा। अब चलो 20 रुपए निकालो। शारदा के इस तरह से कहने पर पुष्पा अपनी कटोरी से 20 रुपए उठाकर दे देती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। शारदा 20 रुपए के छुट्टे को गिनते गिनते अपने मैंगो मिल्क शेक के ठेले के पास लौट आती है। बहू 3 ग्राहक आ रहे हैं, आओ बहू। शारदा के इस तरह से कहने पर अनामिका अपने मैंगो मिल्क शेक के ठेले के पास लौट आती है। फिर वहाँ पे आए 3 ग्राहकों को वो मैंगो मिल्क शेक बना के देती है। तीनों बातचीत करने लगते हैं, उसके बाद वो मिल्क शेक पीने लगते हैं। माँ जी आप घर नहीं गई? नहीं बहू नहीं गई, पर इस बीच मैंने फोन पे बात की, तुम्हारे पिताजी ने कहा वो ठीक है। हाँ माँ जी उन्हें बिल्कुल अच्छा रहना होगा। बस जितनी जल्दी हो सके पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाए बहू। मुझे भी वैसा ही लगता है माँ जी। वैसे बेटा कहाँ है बहू? वो भी कहीं ना कहीं मैंगो शेक पीने के लिए ग्राहक ढूंढ के ठेले पे लाने के लिए गए हैं, अभी तक वो आते ही होंगे। ठीक है बहू मैं अब चलती हूँ, और तुम ठेले के पास ही रहना, खास करके पैसे के डब्बे के पास। ठीक है माँ जी। इस तरह कहने के बाद शारदा अपने मैंगो मिल्क शेक ठेले से चलते हुए आगे चली जाती है। ठीक उसी वक्त रमेश एक ऑटो वाले के पास जाता है। नमस्ते भैया। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, कहाँ जाना है? मैं नहीं आप जाएंगे, वो दिख रहा है पेड़ के नीचे मैंगो मिल्क शेक का ठेला, वहाँ चलना है। मैं वहाँ क्यों जाऊँ? वहाँ मुझे कोई ग्राहक मिलेगा क्या, या फिर वहाँ से मुझे किसी को कहीं ले जाना है? किसी और को नहीं, उस ठेले वाले को। हर दिन आपको यहाँ से घर ले जाना होगा और फिर घर से यहाँ ले आना होगा। सुना है कि वो आपको अच्छे पैसे भी देंगे।
लगा कि ये बात आपको बताने से फायदा होगा तो बताया। ऐसा क्या? तो यहाँ से कहाँ जाना होगा? पहले वहाँ पे जाके एक ग्लास मैंगो मिल्क शेक पियो, अच्छे से बातचीत करो, ऐसा बस 2-3 दिन करना, फिर उन्हें तुम पे भरोसा हो जाएगा तो वो तुम्हें खुद ही कहेंगे उन्हें ले जाने के लिए। रमेश की ऐसी बातें सुन के उस ऑटो वाले को सच लगने लगता है। देर किए बिना जल्दी से वो ऑटो लेकर अनामिका के मैंगो मिल्क शेक के ठेले के पास चला जाता है। वहाँ मुस्कुरा के बात करता है, मैंगो मिल्क शेक पी के वहाँ पैसे दे देता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक तरफ शारदा लोगों से मीठी मीठी बातें करती थी, उधर रमेश भी लोगों से अच्छी बातें करके उन्हें अपने मैंगो मिल्क शेक के ठेले पर मिल्क शेक पीने के लिए ले आते थे। दोनों बहुत मेहनत करते थे ताकि ग्राहक ज्यादा आए और अनामिका का मैंगो मिल्क शेक का व्यापार अच्छा चले। एक दिन अचानक से सास बहू को नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों उठ के बैठ जाती है और बात करने लगती है। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले पर तुम्हारे पिताजी के हार्ट के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है। हाँ माँ जी, हम बहुत पहले से ही मैंगो मिल्क शेक का यह व्यापार कर रहे हैं। अच्छे दिन चल रहे थे, अच्छे पैसे कमा रहे थे, हम खुश थे, अच्छे से हमारी जिंदगी कट रही थी। पर पता नहीं था कि अचानक से ये समस्या आ जाएगी और इस बहाने हमने पैसे भी नहीं जमाए। तो क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दे बहू? क्या बात कर रही है माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि कैसे और पैसे कमाए जाए। लेकिन कैसे बहू? शारदा के इस सवाल पे अनामिका शारदा को अच्छे से पूरी बात समझाती है। अनामिका की बात सुन के शारदा को अच्छा लगता है। बहुत अच्छा बहू, कल से ही मैं इस काम में लग जाऊंगी, अभी सो जाओ बहू। फिर शारदा सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन से ही अनामिका मिलावटी मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए अपना ठेला लेके सड़क पे लगाती है और हाथ में माइक लेकर कहने लगती है, आइए बाबू आइए, मैंगो मिल्क शेक जंबो ग्लास सिर्फ 1 रुपए में, आइए बाबू आइए, बस 1 रुपए में मैंगो मिल्क शेक जंबो ग्लास यहाँ से पी के जाइए। इस तरह अनामिका माइक लेके जोर जोर से कहने लगती है, 1 रुपए में मैंगो मिल्क शेक, वो भी जंबो ग्लास। सुनके सभी लोग वहाँ पीने के लिए भीड़ लगा देते हैं। मुझे दो कहकर सब हल्ला करने लगते हैं। शारदा सबसे पैसे इकट्ठा करती है और अनामिका सभी को एक एक ग्लास मैंगो मिल्क शेक देने लगती है। पर वहीं पे खड़ी कमला मैंगो मिल्क शेक ना पीकर बस सबको देख रही होती है। क्या ठग रहे हैं, मैंगो मिल्क शेक के नाम पे ये लोगों को बस पानी पिलाएंगे, मैंगो जूस तो उसमें होगा ही नहीं, सब मिलावटी होगा, बेचो बेचो और ठगो। ना हम लूट रहे हैं ना किसी को धोखा दे रहे हैं, तुम लोग जो करते हो उसे ठगना कहते हैं। जब मैं ताज़ा मैंगो लाकर मिल्क शेक बना के देती थी तब तो तुम लोग आके कोई नहीं पीते थे, अब जब मैं यहाँ पे आके सबको पानी मिला के मिल्क शेक दे रही हूँ तो सब यहाँ पे चींटी बन के आ गए हैं वो मिल्क शेक पीने के लिए। इस तरह से कहने पर सभी अनामिका को देखने लगते हैं। तो आप लोग बताइए, इस तरह करके किसे मैं ठग रही हूँ, धोखा दे रही हूँ? हाँ, अनामिका के इस तरह से कहने पर वहाँ पे खड़े कोई भी एक जवाब नहीं देता। आप लोग बदल गए हैं तो हम भी बदल जाएंगे ना, अभी आप लोग जाइए, कल से बिना मिलावटी का मैंगो मिल्कशेक बना के बेचूंगी, तब आप लोग पीने आइएगा, अभी आप लोग सब जाइए। इतना कहकर अनामिका मिल्कशेक का ठेला और डब्बा लेकर सीधा वहाँ से अपने घर लौट आती है। इकट्ठा किया हुआ पैसा ऑपरेशन के लिए काफी थे, उन पैसों से वो प्रसाद का ऑपरेशन करवाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो प्रसाद को घर वापस ले आते हैं। प्रसाद सास बहू को देखकर, मेरे लिए तुम सास बहू ने बहुत मेहनत की है। मैंने नहीं किया जी, सब बहू ने किया, अपने दिल को मार के मिलावटी मैंगो मिल्क शेक भी ग्राहकों को उसने पिलाया है। ये सब बातें अब आप पिताजी को मत बताइए माँ जी। सच में तुम बहू के रूप में बेटी हो बहू। पिताजी, सिर्फ मैं ही नहीं, माँ जी आपके बेटे ने भी बहुत मेहनत की है। वो हर दिन सड़क पे जाके अनजान लोगों से बात करते थे और उन्हें मैंगो मिल्क शेक पीने के लिए अपने ठेले पे ले आते थे। इस तरह हम सब ने मिलकर आपकी जान बचाई है। हाँ पिताजी, अनामिका सच कह रही है। इस तरह से सारी बातें वो एक दूसरे से खुल के बताते हैं। थोड़े दिनों तक प्रसाद का अच्छे से देखभाल किया जाता है। उसके बाद अनामिका और पूरा परिवार एक साथ मिलजुल के अपना मैंगो मिल्क शेक का व्यापार खुशी खुशी चलाने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।